हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपी विश्व ज्ञानेश्वर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं होम थिएटर को, जो ऑक्स पिन वाला होम थिएटर पुराना वाला रहता था, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये ऑक्स पिन का सिस्टम हटाने जा रहा हूँ और ब्लूटूथ रिसीवर लगा करके इसको ब्लूटूथ से कनेक्टिंग डिवाइस बनाने जा रहा हूँ, ब्लूटूथ से कनेक्टिंग होम थिएटर बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ये ब्लूटूथ रिसीवर है, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ब्लूटूथ रिसीवर ले लिया हूँ, ये परचेज कर लिया हूँ मार्केट से। इसका नाम है SKE 305 SKE 305 BTR। BTR मतलब होता है ब्लूटूथ रिसीवर, ठीक है। तो SKE 305 आप मार्केट में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। ये ब्लूटूथ रिसीवर है, वो डिस्प्ले वाला है। ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा मोड या फिर वॉल्यूम, ये सब सारा चीज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट का पिन है और इधर ऑक्स पिन है। और ये पूरा जो पिन है ये साउंड बॉक्स के लिए है, और इधर वाला भी पिन है वो साउंड बॉक्स के लिए है। आइए दोस्तों, पहले मैं ऑक्स पिन से बजा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोर्ड में प्लग इन कर लिया हूँ, ऑन हो गया। और ये ऑक्स पिन है, NCS का म्यूजिक में सर्च कर लिया हूँ और मैं प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, NCS का म्यूजिक में बजा रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्स पिन के द्वारा बज रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ब्लूटूथ से जा रहा हूँ इसको कनेक्ट करने, ब्लूटूथ रिसीवर लगाने, उसके बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा और बजेगा, ठीक है। ये मैं ब्लूटूथ रिसीवर लगाने, तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं आगे वाला पार्ट को मैं खोल रहा हूँ। पहले से मैं इसका स्क्रू ढीला कर लिया हूँ और ये ओपन हो रहा है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो पुराना वाला मॉडल है ये यहाँ पे लगा हुआ है, जो विदाउट ब्लूटूथ है, बट इसमें भी डिस्प्ले लगा हुआ है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, इसको रिमूव करूंगा और उसके जगह पे मैं ये लगाऊंगा, ठीक है। ये वाला मैं लगाने जा रहा हूँ और ये हटाने जा रहा हूँ। तो मैं इसको खोल ले रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्रू ढीला कर लिया हूँ। ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है ब्लैक और रेड, ये है 5 वोल्ट सप्लाई का। ये मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव हो गया 5 वोल्ट सप्लाई का। और ये साउंड बॉक्स का जो मैं बताया था वहां पे ब्लूटूथ रिसीवर में, उसी तरह से इसमें भी है, इसको मैं रिमूव कर लिया। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑक्स पिन का 3 पॉइंट जो है, रेड और ब्लैक और इसमें एक ऑरेंज टाइप का है, वो है, ये ऑक्स पिन का है, मैं यहाँ पे रिमूव कर लिया। और यहाँ पे ये भी साउंड बॉक्स सिस्टम के लिए जाएगा, ये किट के लिए जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे किट के लिए जाएगा, वो मैं रिमूव कर लिया हूँ। ये एंटीना का फेज है, ठीक है, एंटीना का मैं कनेक्ट कर लूंगा बाद में रिमूव करके। इसका देखिए दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पे है, यहाँ पे जिस तरह से पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसी तरह से इसमें भी पॉइंट लिखा हुआ है, सारा चीज सेम है, बट ये ब्लूटूथ रिसीवर है और ये विदाउट ब्लूटूथ है, ठीक है। तो उसी तरह से सारा पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है, सब चीज मैच कर रहा है, ऑक्स पिन कौन सा है, 5 वोल्ट सप्लाई कौन सा है, सब चीज मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा साइज भी वही है, 4 होल है जो स्क्रू टाइट होगा, तो मैं इसको एक एक पॉइंट को इंजेक्ट कर ले रहा हूँ इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 5 वोल्ट पहले इंसर्ट कर ले रहा हूँ, ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट इसमें इन हो गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा किट का सिस्टम और ये बॉक्स का, साउंड बॉक्स का जो ये पूरा पॉइंट है, इसमें सारा कनेक्टेड है वायर, इसको मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा से इंसर्ट हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्स पिन जो दिख रहा है आपको, ये ऑक्स पिन है, 3 पॉइंट जो है ये ऑक्स पिन का है, ये ऑक्स पिन का सेपरेट इधर है, यहाँ पे मैं ऑक्स पिन लगा लिया हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये किट के लिए ये सप्लाई जा रहा है, इसमें जो यहाँ पे रिमोट कनेक्टिंग के लिए ये सेंसर लगा हुआ है, ये ऐसे रहता है, रिमोट इसमें कैच करता है, तो वो सब सिस्टम के लिए ये पिन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लग गया है। अब मैं एक बार टेस्ट कर ले रहा हूँ, एक एंटीना का वायर आपको बच रहा है जो इसमें सिस्टम में लगा हुआ है, इसमें एंटीना का वायर लगा हुआ है, ये यहाँ पे सोल्डिंग कर देना होगा। इसमें लिखा हुआ है एंटीना, यहाँ पे एंटीना दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, एंटीना का शॉर्ट फॉर्म होता है ANT, ठीक है। यहाँ पे एंटीना का जिस तरह से इसमें सोल्डिंग किया हुआ है, उसी तरह से इसमें सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। तो एंटीना सिर्फ FM बजाने के लिए लगा हुआ है, FM रिसीव करने के लिए एंटीना है। ये आप नहीं जोड़ेंगे तो FM में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, FM अच्छा से नहीं पकड़ेगा, लेकिन मैं जोड़ दूंगा एंटीना, उसमें सोल्डिंग कर दूंगा। ये किट रिमूव हो गया, ये किट लग गया। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर देना है, नीचे ये सेंसर लगा हुआ है रिमोट कनेक्टिंग के लिए, रिमोट के लिए सेंसर लगा हुआ है, इस तरह से टाइप कर देना है। अभी मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको अलग रख करके चेक कर ले रहा हूँ। मैं प्लग इंसर्ट करने जा रहा हूँ बोर्ड में और इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऑन होते ही यहाँ पे साउंड दे रहा है ब्लूटूथ मोड, जैसे ये देखिए, एक बार और बता दे रहा हूँ, ब्लूटूथ मोड। ये देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ बहुत अच्छा से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि इसमें रिसीव हो रहा है, ब्लूटूथ मोड बोल रहा है। अभी मैं ब्लूटूथ ऑन करके यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, यहाँ पे न्यू डिवाइस में सर्च करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आ गया है, अभी ब्लूटूथ पेयर कर दे रहा हूँ,
कनेक्ट हो गया, कनेक्ट का साउंड भी आ गया। जैसे एक बार और फिर से कनेक्ट, ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, ये देखिए दोस्तों साउंड आ गया कनेक्शन का। अभी मैं एक प्ले कर ले रहा हूं साउंड, कनेक्ट हो गया है, दिखेगा साउंड का लाइटिंग दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ तो फिट कर लूंगा तो बाहर ये डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रिमूव हो गया है, मैं इसको अटैच कर ले रहा हूँ यहाँ पे एंटीना में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर ले रहा हूँ इसमें एंटीना, यहाँ पे पॉइंट है इसका। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एंटीना सोल्डिंग हो गया है। अब मैं इसको टाइट कर ले रहा हूँ इस ग्रुप से, ये इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करके टाइट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा फिट कर लिया हूँ। अब इसको मैं इसमें प्लग लगा करके ऑन करके जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा से अभी कनेक्ट भी हो गया है। मैं मोबाइल से एक बार इसको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले प्ले हो रहा है यहाँ पे मोड में, FM मोड, AUX मोड, Bluetooth mode, FM mode, AUX mode, Bluetooth mode। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।